हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त, आपका साथी डॉक्टर समीर। मोबाइल ऐसा कर लो चाचा, सही है, सीधा करो। हाँ, हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त, आपका साथी डॉक्टर समीर एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके साथ। और मैं आपको हमेशा से बढ़िया क्वालिटी वाली बढ़िया भैंसें दिखाता हूँ और दिखाता रहूँगा। आप मेरे पास आते हैं और इसी तरह प्यार सपोर्ट आपका बना रहे। ये हमारे दोस्त हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, तकरीबन मेरे यहाँ से 250 किलोमीटर दूर से आए हैं और इन्होंने बढ़िया क्वालिटी वाली तीन बढ़िया पशु खरीदे हैं। अभी हमारे दोस्त, हमारे सब्सक्राइबर ये बताएंगे कहाँ से आए हैं, कितने की इन्होंने भैंस ली है, क्या प्राइस की इन्होंने भैंस ली है, कितने मंथ की गाभिन है, कौन सी के नीचे दूध है और कौन सी बिना दूध की है, सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में बताऊँगा। कहाँ से अभी आप? जिला शामली, गाँव कुरसमा, तहसील 230 किलोमीटर है। तहसील कौन सी अपनी? तहसील ऊन। जिला शामली से आए हैं, 230 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरे यहाँ से। और तकरीबन मान के चलो, कब चले थे आप? सुबह 6 बजे चले थे और फिर यहाँ दोपहर में पहुँचे। कहाँ से है? बस से? और मोटरसाइकिल से? 230 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने मोटरसाइकिल से तय करा मेरे भाई ने। और सुबह 6 बजे चले थे और यहाँ दोपहर में पहुँचे। इन्होंने तीन भैंसे ली हैं। कितने कितने की तीन भैंसे ली आपने? 58,000 रुपये की ली ये वाली। इधर आके दिखाओ चाचा फोन, पीछे को दिखाओ, उसके पीछे को। ये 58,000 रुपये की भैंस ली है, बच्चा नीचे है। आ जाओ इधर ही, आ जाओ मेरे साथ ही आ जाओ आप। और दूसरी भैंस एक ये खरीदी है आपने, ये कितने खरीदी? 47,000 रुपये। पैसे ना बोलो, चलो म्यूट कर दो, कोई दिक्कत ना। ठीक है ठीक है। ये भी लिए, भाई ने मना करा है उसके लिए। एक भैंस ये ली है और एक भैंस ये ली है। तो 230 किलोमीटर दूर से आए हैं, जिला शामली से आए हैं। गांव का नाम कौन सा? खुरसमा से आए हैं, 230 किलोमीटर दूर से। तो सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप आइए और अपने मन पसंद के पशु खरीदिए। जैसा हम सोचते हैं कि आप तकरीबन आते हैं और अपना प्यार और प्यार बनाए रखें। तो मेरा नाम डॉक्टर समीर है, मेरे गाँव का नाम खानपुर वन गरवारा मिलक, थाना असमोली, जिला संभल, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। ठीक है, ये बच्चे हैं दोनों के। एक भैंस ये ली है भाई ने, एक भैंस ये ली है और एक भैंस ये ली है। ये तीन पशु खरीदे हैं भाईजान ने।